गोली मार दो, विदेश में सेटल करवाएंगे, पैसा और हथियार खूब मिलेगा, और सुनो सिर पर हमेशा हाथ रहेगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। ये वो वादे हैं जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मर्डर करने वाले दो शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी से किए गए। चंडीगढ़ के एक होटल से अरेस्ट किए गए दोनों शूटर्स ने खुद पुलिस पूछताछ में ये सारी बातें कबूल की है। वहीं गोगामेड़ी केस का मुख्य हत्यारा रोहित राठौर रेप के केस में राजस्थान की अजमेर जेल में बंद था। वो वहां रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेन चारण के संपर्क में आया। उसने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था। वो सुखदेव से गुस्से में था, इसका फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए तैयार किया। नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज है। वो भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था, उसकी विदेश जाकर सेटल होने की इच्छा थी। वीरेंद्र ने उसको विदेश सेटल होने का भरोसा दिया, इसका लालच देकर उसे मर्डर के लिए तैयार किया और इस तरह सुखदेव सिंह का मर्डर करने के लिए दोनों रोहित राठौर और नितिन फौजी तैयार हो गए। वो दोनों हत्याकांड के पहले और बाद में भी लगातार वीरेंद्र चारण के संपर्क में थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया दोनों शूटर्स को आश्वासन दिया गया था कि गैंगस्टर लॉरेंस और उनके सहयोगियों द्वारा उनकी देखभाल की जाएगी। उन्हें बताया गया था कि उन्हें 15 से 20 दिनों के अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा और उन्हें भारत छोड़ने और गोल्डी बरार की तरह आज़ादी से विदेश में जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। रोहित गोदारा ने मर्डर के लिए 50,000 रुपये के हथियार भी भेजे। अब ये दोनों आखिर पकड़े कैसे गए, आइए इसकी कहानी बताते हैं। शनिवार 9 दिसंबर को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन में रोहित राठौर और नितिन फौजी को उधम सिंह नामक एक व्यक्ति के साथ चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। उधम सिंह कथित तौर पर इनको भगाने में मदद कर रहा था। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद शूटर्स ने हथियारों को छुपा दिया ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेक इन के समय पकड़े ना जा सके। हथियार छिपाकर वो राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंचे और फिर मनाली चले गए। मनाली से वे चंडीगढ़ जाकर एक होटल में रुके जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंची। शूटर्स ने जिस जगह पर हथियार छिपाए अब पुलिस उन जगहों पर जाकर हथियार बरामद कर सकती है। कौन है आखिर ये वीरेंद्र चारण जिसका उस पूरे केस में बार बार जिक्र आया, जो जेल में रोहित से मिला था। ये 1,00,000 का इनामी गैंगस्टर है, राजस्थान के चुरू जिले के सुजानगढ़ का रहने वाला है। 2015 में हुए रामलाल मेघवाल हत्याकांड में उसका नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जेल में वो कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया, वहां उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया है जिसमें आनंद पाल सिंह से लेकर रोहित गोदारा तक शामिल थे। 2022 में उसे जमानत मिली, जेल के बाहर आ गया। इसके बाद उसने गोगामेड़ी के करीबी गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश रची, उसके लिए शूटर्स का इंतजाम किया। इस हत्याकांड के बाद वो नेपाल होते हुए दुबई भाग गया। रोहित गोदारा और सुखदेव गोगामेड़ी के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। गैंगस्टर रोहित गोदारा अपने कई मामलों में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के दखल से नाराज था। इतना ही नहीं, गोगामेड़ी गोदारा के दुश्मनों का पक्ष भी लेते थे, लिहाजा उसे रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए उसने सुपारी अपने करीबी वीरेंद्र चारण को दे दी। वीरेंद्र ने अपने जानने वाले रोहित राठौर और नितिन फौजी से संपर्क किया। इसके बाद अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटर्स को जयपुर में हथियार भिजवाए। उसी हथियार से दोनों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। उस हत्याकांड का वीडियो पूरे देश ने देखा। वारदात के पहले और उसके बाद दोनों शूटर्स लगातार वीरेंद्र के संपर्क में थे। अब इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अभय ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप दिल ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।